ये कहानी है दार्जिलिंग जिले के कुछ ऐसे गांव की जहां ज्यादातर टूरिस्ट लोग नहीं जाते हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी को। सोचा था कि सोलो ट्रिक करूंगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं था, इसलिए मैंने एजेंसी खोजना शुरू किया। फिर एजेंसी तय हुआ। एजेंसी ने 22 जनवरी का डेट सेट किया। फिर क्या, निकल पड़ा। हमारा ट्रेन कलकत्ता स्टेशन से रात 8:35 पे थी। मैंने थोड़ा पहले ही आ गया था। Our train will depart from this station at 8:35. So without delaying, we have to get onto the train and look for our seating arrangement. घने कोहरे के कारण ट्रेन 2 घंटे लेट से सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचे। We started our journey 2 hours late from Siliguri station and we are heading towards Dhotre right now. It will take around 3.5 to 4 hours. We have crossed this Sukna forest and military base camp from Siliguri towards Dhotre. We are going towards Dhotre. We will go to Dhotre via Manebhanjan. इस मैप को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेक का रूट और प्लान को समझने के लिए कृपया पूरा मैप को ध्यान से देखें। हमने धोत्रे से ट्रेक शुरू किया। पहले दिन हमने टामलिंग में रुके, दूसरे दिन कलीपोखरी में, तीसरे दिन आल में रुके, चौथे दिन फालुत में और पांचवें दिन फालुत से गोरखे होते हुए भारिंग गए, जो हमारा ट्रेक का एग्जिट पॉइंट था। तो चलिए कहानी को धोत्रे से शुरू करते हैं। सो हियर वी आर इन द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ धोत्रे। इट्स इन द अपहिल ऑफ दार्जिलिंग and from here we will start our trek to Tamling. Today we will go to Tamling and stay in Tamling for this night, and from there the main trek will start for Sandakfu tomorrow. दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव है धोत्रे। हमने यहां से अपना ट्रेक शुरू किया। It's 8:30 right now and we are still so far away from Tamling. धोत्रे से टामलिंग तक हमने रात के अंधेरे में इस रास्ते को पार किया। करीब 5 घंटे की ट्रेकिंग के बाद हम धोत्रे से टामलिंग पहुंचे और इस प्रकार हमने उस रात को टामलिंग में समाप्त किया। अगले दिन सुबह टामलिंग ने जो दृश्य मुझे उपहार दिया था, वो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की। इतना ही सुंदर था टामलिंग का सुबह। I am in Tamling and the time is around 6 or 6:30. This is what I am getting, the view, the sleeping Buddha, what we say about this Kanchenjunga peak. I am seeing it live and it's such a beautiful experience. Means I cannot share this thing with you via YouTube. You have to come here to see this thing. उसके बाद मैंने नाश्ता किया और टामलिंग से कालापुखरी के लिए निकल पड़ा। आज का यात्रा 13 किलोमीटर लंबा था। टामलिंग से थोड़ा देर चलने के बाद ही सिंगीलीला नेशनल पार्क शुरू हो गया था। हमारा ट्रेक गाइड का नाम था बिमल जी। इस रास्ते में ट्रेक गाइड लेना आवश्यक है। तो ये ट्रेक का रास्ता थोड़ा बोलिए। अभी तो ट्रेक टामलिंग से ट्रेक किया हम। तुमलिंग से थोड़ा ट्रैक किया, अभी 2.5 किलोमीटर आ गया हम। 2.5 किलोमीटर आ गया यहाँ से। अभी जो 2 किलोमीटर गई बस,
गरीबस से तो कया कट्टा है तो 3 किलोमीटर है, उसके बाद तो काला पोखरी 4 किलोमीटर है। ट्रैकिंग सब लोग को अच्छा लगे, सब लोग को अच्छा है। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, आखिरकार हम गरीबास पार करके करियाकाटा पहुंच ही गए थे लंच के लिए। We are in the Kariakata and we are here for the lunch. We have trekked for 10 kilometers from Tumling. We first reached Garibas and from there a steep inclination was there and we have reached Kariakata right now and we will be having our lunch. लंच के बाद हम फिर से काला पोखरी के लिए चलने लगे। हमने ये रास्ता ट्रेक किया, अगर कोई चाहे तो गाड़ी में भी आ सकता है। काला पोखरी पहुंचने में शाम हो गया था। टामलिंग से काला पोखरी का ट्रेक थका देने वाला था, इसलिए हम रात का खाना खाने के बाद थोड़ा जल्दी सो गया। फिर अगले दिन सनराइज जो देखना था। We are at Kalipokhri now. Yesterday at the evening we reached Kalipokhri and we stayed here at night and I woke up at 6 a.m. to see the sunrise and I think it was the best sunrise I ever seen from any place. Yeah, today from Kalipokhri we will be heading towards Al, which is 2 kilometers above Sandakfu. आज भी पिछले दिन की तरह मैं ब्रेकफास्ट करके निकला था काला पोखरी से आल की तरफ। आल संदकफू से 2 किलोमीटर दूरी पे है, समय लगेगा 7.5 घंटा। जो और कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्टीफ है ये वाला? बहुत स्टीफ है। बहुत स्टीफ है ना, ठीक है। इतना ऐसा कितना देर तक चलना पड़ेगा? इससे डेढ़ से 2-3 घंटा 4 घंटा चलना। ऐसे अच्छा। और देर ना करते हुए आइए देखते हैं सांदकफू का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। सांदकफू से माउंट कंचनजंगा को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान गौतम बुद्ध इस पहाड़ के आकार में सोए हुए हैं। Al. It took me around 7.5 hours from Kalipokhri to Al, and there was certain reason why it took us so late. The trek was not that difficult, I will say, but it was a trek of around 7 to 8 kilometers from Kalipokhri to Al. But after reaching Sandakfu, the view was so mesmerizing that I stopped there and took a tea break, and then again continued from Sandakfu to Al. आल को बादलों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप खुद ही देख लीजिए। I'm all set for dinner and this is what I am having for dinner. They gave me rice, vegetables and dal and this tastes really awesome. 3 cheers for all.
कभी कभी मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। हाल में मेरा मुलाकात एक नेपाली संगीतकार से हुआ। ऐसे पहाड़ी पर बैठकर लाइव परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाकर मैं धन्य हो गया था। सुना था मैंने कि आल से माउंट एवरेस्ट को देखा जा सकता है। इस बार सुना शब्द आस्था में बदल गया। माउंट एवरेस्ट के साथ ये मेरा पहला मुलाकात था। So I'm at Al now and getting ready to go out for the trek towards Falut. It's 8 a.m. and it will take around 9 to 10 hours to complete that trek. We have to cross Savargram while going to Falut and it will be around 19 kilometers from Al. आज हमारा डेस्टिनेशन था फालूत। फालूत आल से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पे है, इसलिए हम सुबह जल्दी निकल पड़े आल से फालूत के लिए। मेरे पीठ का बोझ बहुत भारी था, लेकिन पता नहीं सड़क के एक पार माउंट एवरेस्ट और दूसरी पार माउंट कंचनजंगा देखते देखते इतना लंबा रास्ता कैसे पार करके सबरग्राम पहुंच गए पता भी नहीं चला। I'm at Savargram in the Moli camp. So I thought of exploring this place. Look at the view. What an amazing view. I'm seeing lot of yaks right here and there. And there is a small place for worship also. It's a amazing place. Every place that is been covered in this trek is really amazing. सबरग्राम में रुकने का दो उद्देश्य थे, पहला थोड़ा आराम करना और दूसरा लंच करना। लेकिन हम सबरग्राम में ज्यादा देर तक नहीं रुके। जैसे अभी थोड़ा डाउन रास्ता है, इस थोड़ा आगे दो रास्ते मिलता है, उधर फ्लैट मत नेपाल मत जाए, नीचे नीचे थोड़ा डाउन जाना। अच्छा ठीक है। जितनी शाम हो रही थी उतनी ही हवा तेज चलने लगी थी। आखिरी रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। आल से लगभग 11 घंटे चलने के बाद हम आखिर में पहुंचे फालूत। अगले दिन फालूत टॉप में जाने का बात था सभी का, लेकिन कोई नहीं गया। ठीक उसी वक्त कवि गुरु का बात मुझे याद आया, यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकेला चलो रे। इसलिए मैं अकेला फालूत टॉप पे जाने के लिए चल पड़ा। राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ फालूत एंड व्हाट अ व्यू मैन। आई कैन सी द 360 व्यू ऑफ द हिमालयन रेंज। आई कैन सी माउंट कंचनजंगा इन वन साइड एंड माउंट एवरेस्ट ऑन द अदर साइड। दिस इज मेस्मराइजिंग। इस पूरे रूट में फालूत का 360 डिग्री व्यू मेरे हिसाब से सबसे अच्छा था। एक तरफ माउंट एवरेस्ट और दूसरी तरफ माउंट कंचनजंगा। आपको कौन सी जगह अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, फालूत में रहने का ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ दो ही जगह है, एक GTA ट्रेकर्स हट और दूसरा फॉरेस्ट लॉज। जरूर बुकिंग करके आना। हमने अब चल दिए फालूत से गोरखे होते हुए भारिंग के लिए। समय लगेगा 8 घंटा। आज हम लोग सिर्फ पहाड़ के नीचे की दिशा में जा रहे थे, इसलिए थकान भी कम हो रहा था। I'm trekking for almost 2.5 hours right now and we are going through a bamboo forest and this is a lifetime experience.
लगभग 4.5 घंटे ट्रेक करने के बाद गोरखे नजर में आने लगे। At last, after a long trek, I have finally reached this place called Gorkhe, and still a long way to go. From here, we will start our trek to Bhareng. Just see the beauty of this place. This place is completely different from all other places which we did visit in this trek. गोरखे एक छोटा सा गांव है जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच के सीमा बनाता है। गोरखे में थोड़ा रेस्ट लेने और लंच करने के बाद हम चल पड़े अपने एग्जिट पॉइंट भरिंग की ओर। और हाँ, अगर इतना दूर तक आप हमारा साथ सफर कर ही चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलने के बाद हम पहुंचे भरिंग। फाइनली मेड इट टू भरिंग। दिस भरिंग इज इन वेस्ट सिक्किम। आई डिडंट न्यू इट दैट इट इज इन वेस्ट सिक्किम। आई थॉट दैट इट्स इन वेस्ट बंगाल ओनली। द रोड फ्रॉम गोरखे टू भरिंग वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट सिंस वी वेर ट्रेकिंग फ्रॉम फालूद टू गोरखे, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड हेक्टिक। सो वी वेर जस्ट एग्जॉस्टेड एंड वी रियली नीड टू हैव सम रिफ्रेशमेंट राइट नाउ। अब समय था घर लौटने का। कुछ अच्छी यादों के साथ खत्म हुई ये कहानी। आशा करता हूँ कि हम जल्द ही किसी और जगह पे किसी और कहानी पे फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।